मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह। हेलो गाइस, सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ राखी मेकअप लुक शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने अपने फेस पे सबसे पहले टोनर अप्लाई कर लिया है और इसके बाद मैं अपने फेस पे गुड वाइब्स का सिरम अप्लाई करूंगी। सिरम हमारे फेस को एक ग्लो प्रोवाइड करता है और एजिंग या फिर हमारे फेस पे जो रिंकल्स आते हैं उससे हमें बचाता है। तो गाइस, सिरम अप्लाई करने के बाद मैं लैक्मी एब्सोल्यूट का मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूंगी। इसे मैं प्रेस करते हुए अपने फेस पे अप्लाई करूंगी, जिससे कि मॉइस्चराइज़र जो है वो हमारे फेस में एब्जॉर्ब हो पाता है और स्किन केयर हमारा काफ़ी अच्छे से हो पाता है। तो इसे अच्छी तरह से अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी और इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी लैक्मी का सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें UVA और UVB रेज से बचाता है। और सनस्क्रीन अगर आपका मॉइस्चराइज़र बेस है तो आप मॉइस्चराइज़र को स्किप भी कर सकते हैं। तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं और उसके बाद ही आप अपना मेकअप स्टार्ट करें। तो गाइज, अब हम अप्लाई करेंगे प्राइमर। प्राइमर हमारे फेस को एक स्मूथ बेस देता है और साथ ही साथ हमारे पोर्स जो होते हैं उन्हें मिनिमाइज़ करता है और जो भी हमारे पिंपल्स होते हैं उन्हें ब्लर आउट कर देता है। गाइज, इसके बाद मैं अपने फेस पे इल्यूमिनेटर अप्लाई करूँगी। ये हमारे मेकअप को ग्लोई बनाता है और हमारे फेस पे एक ग्लो प्रोवाइड करता है। तो अगर आप ग्लोई मेकअप चाहते हैं तो इसे ज़रूर अप्लाई करें। तो अब मैं लैक्मी 925 का फाउंडेशन अप्लाई करूंगी अपने फेस पे, बट अपने मेकअप को थोड़ा सा ड्यूई और शाइनी बनाने के लिए इसमें मैं थोड़ा सा सिरम अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि मेरा मेकअप जो है वो काफ़ी ग्लोई होगा। तो अब मैं इसे अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। तो आप जब भी फाउंडेशन लगाते हो तो नेक के एरिया को बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि हमारा फेस वाइट और नेक जो है वो डार्क लगता है। तो इसलिए मैं अपने नेक पे भी अप्लाई कर लूँगी और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी। तो अब मैं अपने फेस पे कंसीलर अप्लाई करूँगी। अगर आपके फेस पे डार्क सर्कल है तो आप स्टार्टिंग में ही कलर कैरेक्टर से अपने फेस को करेक्शन कर लें। जहाँ भी पिंपल हो या फिर डार्क सर्कल हो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं ऑरेंज कलर का कलर कैरेक्टर, बट मेरे फेस पे नहीं है इसलिए बस मैं कंसीलर लगा रही हूँ। अब मैं इसे ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो मैं जो भी मुझे मिलता है मैं उससे ब्लेंड कर लेती हूँ। अब इसके बाद मैं कॉन्टोरिंग करूँगी। तो आप यहाँ पे आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी, बस वहीं से मैं जस्ट कॉन्टोर स्टिक से कॉन्टोर कर लूँगी। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे फेस पे शैडोज बनते हैं हमें बस वहीं कॉन्टोरिंग करनी होती है। तो बस जो लाइन आपको दिख रहा है वहीं पे आप कॉन्टोर कर सकते हैं और इससे हमारा फेस बस थोड़ा सा डिफाइन होता है और लुक जो है वो इन्हांस होता है। और अगर आपको लगता है कि आपका फेस का शेप परफेक्ट है तो आप कॉन्टोरिंग को स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरा फेस जो है वो थोड़ा सा फ्लैट लगता है। तो गाइस, इसे अब हम अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से। तो अब हम अपने मेकअप को जो है वो लूज़ पाउडर से सेट कर लेंगे और आपको जहाँ पसीना ज़्यादा आता है वहाँ पे लूज़ पाउडर थोड़ा ज़्यादा लगाएं और थोड़ी देर के बाद उसे एक्सेस जो भी हो उसे रिमूव कर लें। तो इससे क्या होगा, आपका पसीना आएगा तो मेकअप जो है वो आपका ख़राब नहीं होगा। तो गाइज़, अब मैं अपने आई शेडो पैलेट से मरून कलर पिक करके आई के आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी और आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर के साइड इसे ब्लेंड करूंगी अच्छी तरह से। आप जितने अच्छे से ब्लेंड करते हैं आपका आई मेकअप उतना अच्छा रेडी होता है। तो इसे बस मैं ब्लेंड करूंगी, पूरे साइड अच्छी तरह से ब्लेंड करूंगी। दोनों आईज़ पे अच्छे से मरून कलर को ब्लेंड करके प्लेस कर दूंगी और इसके बाद थोड़ा सा कट क्रीज करूंगी लिड पे। मुझे करना नहीं था कट क्रीज, लेकिन जो मुझे कलर गोल्डन कलर अप्लाई करना है वो हमारा इस कट क्रीज के कारण काफ़ी अच्छा आएगा। तो इसलिए बस थोड़ा सा कट क्रीज करूँगी और इसके बाद जो हमारा गोल्डन ग्लिटरी शेड है उसे प्लेस कर दूँगी दोनों आईज़ पे। और इसके बाद प्लेस करने के बाद मैं मस्कारा अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि जब भी हम आईलैश लगाते हैं तो उससे पहले हमें मस्कारा कर लेना चाहिए, मस्कारा अप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि आईलैश और मस्कारा हमारा अलग अलग ना लगे, दोनों एक दूसरे में अटैच हो जाए अच्छी तरह से और दोनों सेम लगे। इसलिए हमें हमेशा मस्कारा पहले अप्लाई करना चाहिए।
और इसके बाद मैं अपने आईज पे जो है वो आईलाइनर अप्लाई कर लूंगी। इसके बाद मैं अपने फेस पे ब्रॉन्जर अप्लाई करूंगी। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉन्जर जो है वो हमारे फेस पे वार्म्थ ऐड करता है, पूरा फेस जो है वो वाइट नहीं लगता है। तो अब मैं स्टे क्वेरी का ब्लशर अप्लाई करूंगी, अच्छी तरह से इसे चिकबोन पे अप्लाई कर लूंगी और इसके बाद हाइलाइटर अप्लाई करूंगी। ब्रिज ऑफ द नोज, ब्रॉ बोन, इन सारे जगहों पे मैं हाइलाइटर अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। और लास्टली अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के बाद लिपस्टिक को अप्लाई कर लूंगी अच्छी तरह से। लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद हमारा मेकअप जो है वो डन हो गया। अब मैं एक नेकलेस और इयररिंग जो है वो वियर कर लूँगी। और इसके बाद हेयर का लुक मुझे उतना समझ नहीं आ रहा था, तो बस जस्ट थोड़ा सा आगे से पफ बना करके और क्लिप से उसे सिक्योर कर दूँगी बस। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। आपको ये लुक कैसा लग रहा है और आप भी ज़रूर इसे क्रिएट करके देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।